आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है अप्रोक्सीमेशन और एरर्स। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो अप्रोक्सीमेशन और एरर फाइंड आउट करने के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन आपने क्लास 8 में पढ़ ही चुके हैं, क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालते थे हम, और कैसे निकालते हैं जैसे 81 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको तो हम क्या निकालते थे 9 निकाल लेते थे। इसी प्रकार से 27 का अगर हमको क्यूब रूट निकालना था तो हम 3 निकाल के बता देते थे। लेकिन अगर इसमें हम थोड़े से चेंज कर दें स्क्वायर रूट, जैसे अगर हमें 81 की जगह 80 निकालना हो ठीक है, और 81 की जगह 82 निकालना हो, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो जैसे कि आपको पास है फर्स्ट प्रिंसिपल मैथ में डिफरेंशिएशन का क्या होता है, हमारे पास जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, वो वहां पे हमने h का लेकर हम थोड़ा चेंज कर दिया, हमने इसको ले लिया है del x। तो अगर del x से हमने कहा कि del x टेंस टू 0 कहता है, अगर ये del x टेंस टू 0 अगर हमने लिमिट हटा दी, हमने ये पूरा पूरा जो फंक्शन है इट विल टेंस टू f(x) या f(x) नो टेंस करेगा। अगर हम कहें कि del x बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, और अगर इसको इक्वेशन में लेके अगर इसको इक्वेशन में चेंज करना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एफ डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, इससे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आया जिससे कि हम किसी भी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या रिलेशन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स। अब एफ एक्स क्या है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स जो भी हमको फंक्शन दिया रहेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स हमारा सब डिफरेंशिएशन होगा या फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, और डेल एक्स एक छोटा सा वैल्यू है जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, जो अच्छी क्वांटिटी हमारे पास जिसका हमें इस फंक्शन को पता है उसमें से हमने जो थोड़ा सा चेंज किया है वो है हमारी वैल्यू डेल एक्स। ठीक है, तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं देखेंगे। फाइंड द अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 40 रूट ओवर 49.5। इसको फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन कैसा है। हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x का फंक्शन, ठीक, जो बहुत अच्छी सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपको पता है वो क्या है आपके पास, इट इज इक्वल्स टू 49। आपके पास रूट ओवर एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 49, इट इज इक्वल्स टू 7। ठीक, तो छोटा सा चेंज हुआ है इसमें, वो क्या हुआ है हमारे पास, डेल एक्स इट इज इक्वल्स टू 0.5, छोटा सा चेंज हुआ है हमारे पास। अब इसका ना फंक्शन निकालते हैं, हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ 49 का हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, रूट ओवर 49 which is equals to 7। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x का रूट ओवर ऑफ x हम फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 रूट ओवर x। इस पर हम फंक्शन निकालते हैं, x के वैल्यू निकालते हैं f(x) की, f(49) इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रूट ओवर 49, इट इज इक्वल्स टू 1/49 इट इज 7 2 7 40। ये हमारे पास लगभग सारी वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो आ चुकी है। अब हमारे पास जो हमने भी रिलेशन पढ़ा है वो क्या रिलेशन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस, इसको हमको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अगर आपने लर्न कर लेंगे तो मैं आपका कोई सा भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसकी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट ना कर सकें। इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आपको सभी की वैल्यू पता है, आप वैल्यू पटक कर दीजिए, फंक्शन क्या है आपके पास डेल्टा एक्स कैलकुलेट
रूट ओवर 49.5 इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। फंक्शन x, x हमारा क्या है 49, ठीक है। इसलिए सॉल्व करना
इस प्रोडक्ट का लेते हैं, किसका लेना है हमको, f of 16 के, ओके f dash 16 इन डेल एक्स के हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 वैल्यू प्रोडक्ट करेंगे हम f of 16 कितना है हमारे पास f of 2 प्लस f dash 16 कितना है दैट इज 1 अपॉन तो डिस्टर्ब हो रहा है अपना इंडक्टर का थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं that is 1 upon 32 into minus 1 that becomes 2 minus 1 upon 32 1 upon 32 की वैल्यू कितनी आएगी any one of you yes 2 minus 0.1 upon 32 3 times आएगा इतने 0.0 1 something that is equals to 1.968 it is the value of your class 4th root of 15 so that is our answer ok I think you have clear it फंक्शन क्या है हमारे पास फिर से वैसे ही निकालना है हमको f of x is equals to cube root of x ये हमारे पास फंक्शन है और x इसकी cube root है बहुत अच्छे से पता है तो अच्छे से वैल्यू है x हमारे पास दैट इज 27 और del x क्योंकि छोटा सा चेंज है x में अगेन दैट विल बी माइनस 1 ओके तो हमारे पास फंक्शन है निकालें हम f of 27 पे कितना जाएगा हमारे पास 27 का क्यूब कितना आ गया 27 का क्यूब यस दैट इज 3 नाउ हम क्या निकाल लेंगे f dash x मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सॉ x टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 1 upon 3 x to the power 1/3 minus 1 that becomes x to the power 2 upon 3 ठीक है तुम्हारे पास f dash x क्या देगा 1 upon 3 x to the power 2 upon 3 इसका फंक्शन की वैल्यू निकाल ले हम 1 upon 3 x कितना है हमारे पास 27 to the power 2 upon 3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 27 का क्यूब रूट दैट इज 3 ओके यस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू 1 upon 3 into 27 का क्यूब रूट दैट इज 3 बिकॉज़ दैट इट बिकम्स 9 इट बिकम्स 1 upon 27 1 upon 27 की वैल्यू क्या आएगी 0. यस यू हैव टू फाइंड आउट ना चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्या है हमारे पास फंक्शन f of x plus 10x is equals to f of x plus f dash x into del x okay on putting the value हम इसकी value put up करें function की ये क्या है 26 to the 1 power 1 upon 3 f of x हमारे पास क्या है x हमने क्या
एक्सिस to the power
7.968 to the power 3 by 2, it is the value is, that is 7.904 approximately. चलिए इसको अभी हम next question करते हैं. Find the approximate value of function f of x. Their function आपको given है. F of x is equals to 4x square plus 5x. This 5x, 5x plus 2. Function के पास क्या निकाला है? आपको 2.01 की रखी है निकाला. तो इसमें हम इधर अच्छे से लेंगे इसका ने. जैसा first derivative कर लेते हैं अच्छा. तो first derivative क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको मैं direct निकाल लूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है first derivative क्या होता है. That is 8x plus 5. आपको हम अच्छे से value निकालते हैं जिससे हमारी value बहुत आराम से निकल सकती है. It becomes 2. और डेल एक्स जो कि छोटा सा चेंज है इज इक्वल्स टू 0.01. तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. फंक्शन की वैल्यू है 2. वैल्यू पुट करेंगे हम दैट इज 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इनटू 2 प्लस 2. तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4. 4 फॉर द 16. 16 प्लस 10 26. 26 plus 2 then becomes 28. And average 2 ki value nikalo. That is 8 into 2 plus 5. That is 8 plus 16 plus 5 that is 21. Sabhi ko yaad hai na value? Directly ki value f of x plus del x. Yes. It is equals to f of x plus f dash x into del x. Function हमारे पास किसका निकालना है? 2.01. हमारे पास निकाले हम f of 2.01 पे वैल्यू निकाले हमको. फंक्शन क्या था हमारे पास? x अच्छी वैल्यू दैट इज 2 प्लस f dash 2 इनटू del x पे हमारे पास दैट बिकम 0.01. वैल्यू पुट करेंगे f of 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 28. ठीक है. एवरेज 2 की वैल्यू कितनी है? 21 इनटू 0.01 इट इज इक्वल्स टू 28 प्लस 0.21. सो फाइनल आंसर इज 28.21 approximately. Okay, this is value is f of 2.01. That is our final answer. First final answer. Okay, let's go down.
लेंथ की बात करें तो उसका जो एक्चुअल मेजरमेंट है किसमें से हम लेंगे, तो डेल एक्स को हमारे याद रखते हैं अपॉन व्हेन डेल एक्स अपॉन एक्स, दैट डेल एक्स अपॉन दिस से हम रिलेटिव इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेल एक्स अपॉन एक्स इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन एक्स। अब इसी का परसेंटेज एरर, डेल एक्स इज एन एरर इन एक्स, देन डेल ऑफ एक्स डेल एक्स अपॉन एक्स इनटू 100 दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, इस पर भी कुछ क्वेश्चन कर लेना। चलिए
ZX upon X into 100. It is equal to हमने कितना दिया है? That is decreasing दिया है. That means minus 1 दिया हुआ है. तो हम del X तो इसमें change निकाले. हमारे पास कितना जाएगा? Minus of X upon 100, which is equal to minus of 0.01 X. हमको किसमें निकालना है? We have to find the approximate change in the surface area. That means we have to find out del X. Del S का फॉर्मूला किस हिसाब से लिखेंगे हम? अगेन ds upon dx into del of x. ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया तो दिया हुआ है, क्या है हमारे पास सरफेस एरिया का क्यू? दैट इज इक्वल्स टू 6x square. There's something is wrong in 6x square. Okay, तो हम इसको निकाल लेते हैं. Differentiate with respect to x, हमारे पास आ जाएगा ds upon dx is equals to 12x. Is that clear? Now we have to find out the change in the surface area when the side is decreasing by 1%. So what is the formula? That is ds upon dx into del x. So we can value हमारे पास है ds upon dx that will be 12x और del x क्या है हमारे पास? अभी हमने निकाला है that is minus of 0.01x. So, on multiplying it, हमारे पास कितना आएगा? Minus of 0.12x² meter square. So, that is our final answer. There is a change in surface area that is equals to 1%. ओके, तो हम निकाल चेंज इन एक्स इट बिकम्स, अच्छा ये दिया तो है कि डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, सो वी कैन टेक प्लस माइनस हो गई है ना, कुछ भी हो सकता है. तो डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 100 व्हिच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.01 x meter. ये हमारा change in edge है, length of the edge. Again हम क्या find out करना है? Change in volume, ठीक है? Change
0.01 x कितना दिया हुआ है पास 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब Please note down it. Now, homework assignment for approximation and errors. Please.